दमोह जिले के पटवारी संघ के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर के एक ज्ञापन है SDM गगन विसेन को सौंपा गया। दरअसल है पटवारियों की 3 सूत्रीय मांगे थी और इन मांगों को लेकर के प्रदेश स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम के अंतर्गत यह ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट पहुँच कर दिया गया, जिसमें लाडली बहने योजना को लेकर के भी मांगों को लेकर के पटवारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। साथ ही 2 अन्य मांगे भी इसमें सम्मिलित थी। क्या थी इनकी मांगे, क्या कुछ इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, आपको सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट ACN न्यूज। 10 वर्षों से 2 कृषि संगणनाएं पूर्ण कर चुके, दोनों कृषि संगणनाओं का पैसा आज ग्रहण करने नहीं मिला और साथ में इसके सिंचाई संगणना कार्य नहीं किया, उसका भी श्रीमान जी पैसा नहीं मिला। और ये कृषि संगणना का कार्य कृषि विभाग का है पर आज भी हम लोगों से कराया जा रहा है। इसी प्रकार लाडली बहना मुख्यमंत्री जी की नई योजना आई है, इसके कार्य में जहां हमें लगाया जाएगा हम वहां काम करने तैयार हैं, परंतु मुखिया न बनाया जाए, क्योंकि ये जैसे ये भी महिला बाल विकास विभाग का कार्य, जो महिला बाल विकास विभाग करे वहां जहां हमारी सहयोग की जरूरत है वहां हम लोग रात दिन हर प्रकार से तैयार हैं। और इसमें सर आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में सर मोबाइलों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोगों के पास सर मोबाइल पुराने जो दिए थे वो कम सिस्टम वाले दिए थे 3G 4G, अब आज समय बदल रहा है, 6-7 साल हो गए, तो श्रीमान जी नए मोबाइल भी प्रदान कराए जाए। और साथ में CPCT नए पटवारी भाइयों की एक मजबूरी हो गई है, तो उस समय जब ये भर्ती हुए थे तब ये कहा गया था कि CPCT सबको पास करना पड़ेगी और हम उन लोग भी चाहते थे कि पास हों, परंतु उसमें श्रीमान जी ये हुआ है कि CPCT के लिए 2 वर्ष की कालावधि तो उसमें निकल गई कोरोना, बाद में परीक्षाएं आयोजित हुई, कुछ लड़के पास हो गए, कुछ अभी रह गए, पूरे प्रदेश में 4-5 सौ रह गए, मैंने हर जिले में 10-10, 15-15 पास। तो कहने का आशय ये है कि उनको भी किसी भी प्रकार का नोटिस न दिया जाए, न निकाला जाए, सिर्फ इतना किया जाए तो उनको CPCT के लिए समयावधि बढ़ाई जाए। और इस संबंध में माननीय श्रीमान जी राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी से बात हो चुकी है, CLR महोदय से भी बात हो चुकी है, उनने भी आश्वासन दिया है कि किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी, ऐसे आश्वासन। पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो है कृषि जनगणना का कार्य है जो पिछले 10 वर्ष से किया जा रहा है और उसमें कोई मान्य नहीं दिया गया, और दूसरी है जो लाडली बहना योजना है मुख्यमंत्री महोदय जी, तो उसमें भी ये है कि वो मूल रूप से महिला बाल विकास की योजना है जिसका संपूर्ण दारोमदार पटवारी को बढ़ाला जा रहा है, उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संपूर्ण जवाबदारी हमको न दी जाए। एक तीसरी मुख्य योजना है CPCT की, जो CLR साहब ने पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था, ये जो नए पटवारी लोग हैं पटवारी बन चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद भी एक एग्ज़ाम होता है, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि एग्ज़ाम पास नहीं होते हैं तब भी पटवारी आप सर्विस में रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी 1-2 जिलों में ऐसा हुआ है कि उनको नोटिस दिए गए किसी CPCT एग्ज़ाम आपने फेस नहीं किया है तो आप जो है आपको बैठा ला जा रहा है। इन्हीं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। लेने आए और उन्होंने हमारी सारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया किसी भी पटवारी के विरुद्ध में कोई कार्यवाही नहीं होगी। कृषि संगणना और लघु सिंचाई के संबंध में उनका कहना है कि जो भी शासन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसी के अनुरूप हम राशि आहरित होते ही आपको प्रदान करा देंगे। मोबाइल के संबंध में भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया जो शासन की योजना होगी उसी के अनुसार आपको उपलब्धता प्रदान की जाएगी। आज दमोह के पटवारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्हें पूर्व में कृषि संगणना का जो उनको मेहनताना या राशि जो उनको उचित पारिश्रम मिलना था वह नहीं प्राप्त हुआ है उसके संबंध में है। दूसरा जो स्कीम आई है अभी लाडली बहना स्कीम, तो उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वो काम जरूर करेंगे पर उन्हें मुख्य तौर पर इसके लिए नियुक्त न किया जाए, तथा CPCT परीक्षा की बाध्यता जो पटवारियों के लिए है वो अनिवार्यता उसे समाप्त किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर माननीय प्रमुख सचिव महोदय के नाम पर ज्ञापन है जो उचित बाध्यता पेश करते हैं।